सहज योग ध्यान की स्थापना सन 1970 में श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा की गई। उनके निस्वार्थ कार्य और उस कार्य के परिणामों के कारण सहज योग का अभ्यास आज 100 से भी ज्यादा देशों में निःशुल्क किया जाता है। संस्कृत भाषा में सह यानी साथ, ज यानी जन्मा, अर्थात हर मनुष्य के साथ जन्मा योग का वो अधिकार है जो उसके सूक्ष्म तंत्र के माध्यम से उस सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति से उसे जोड़ता है जो कि समस्त जीवंत कार्य करती है। यह शक्ति समस्त जीवंत कार्य करती है, सुनियोजित कर सकती है, सोच सकती है और सबसे ज्यादा यह शक्ति प्रेममयी है। हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारा सृजन करने वाला परमात्मा सबसे उच्च आयोजक है। सूक्ष्म तंत्र को कई आध्यात्मिक परंपराओं में जीवन वृक्ष भी कहा गया है। सूक्ष्म तंत्र में शामिल हैं 7 चक्र, 3 नाड़ियां और जीवंत शक्ति कुंडलिनी। संस्कृत में चक्र का अर्थ है पहिया, क्योंकि यह घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, और नाड़ी का अर्थ है वो मार्ग जिसके माध्यम से कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के मूल से लेकर सर के ऊपर तालु भाग तक आ सकती है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तब वह स्वाभाविक तरीके से रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठती है और सभी चक्रों को पार करती हुई सहस्रार से बाहर आती है। जब यह शक्ति मस्तिष्क से गुजरती है तो हमें स्वाभाविक रूप से मानसिक शांति और उच्च कोटि की जागरूकता का अनुभव होता है। इस प्रक्रिया को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। हर चक्र और नाड़ी का शरीर में एक स्थान है जिसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद महसूस किया जा सकता है। तो चलिए अपने सूक्ष्म तंत्र में शामिल कुंडलिनी, चक्र, नाड़ियों और उनके गुणों के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। हर मनुष्य के अंदर कुंडलिनी नामक एक आध्यात्मिक शक्ति होती है जो कि त्रिकोणाकार अस्थि में सुप्तावस्था में 3.5 कुंडल में विराजमान रहती है। यूनानी लोगों को यह पता था कि वह हड्डी जिसे हाइरोनोस्टियन या सेक्रम कहा जाता है उसके अंदर वह ऊर्जा है जो न्यूमा या आत्मा तक ले जाती है। कुंडलिनी आग की तरह दिखती है और उसमें आग के से ही गुण मौजूद होते हैं। जो कुछ भी खराब या दूषित होता है उसे कुंडलिनी जला देती है। अशुद्ध चीजों को जलाने के बाद यह सूक्ष्म तंत्र को शीतल कर देती है। एक बार जब यह असाधारण ऊर्जा जागृत होती है तो यह रीढ़ की हड्डी से होती हुई 6 चक्रों को पार करती हुई सर के ऊपर सहस्रार तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया से मनुष्य का सर्वव्यापी शक्ति से योग होता है। इस 4 पंखुड़ी वाले चक्र को मूलाधार चक्र कहा जाता है। यह चक्र त्रिकोणाकार त्रिकास्थि हड्डी जिसमें ही कुंडलिनी निवास करती है ठीक उसके नीचे स्थित होता है। इस चक्र का प्रमुख गुण अबोधिता है। अबोधिता वह गुण है जिसके कारण हम बिना पक्षपात बच्चों जैसे आनंद का अनुभव करते हैं। हालांकि कुंडलिनी को 6 चक्रों से गुजरना होता है, आत्म साक्षात्कार के समय मूलाधार कुंडलिनी की शुद्धता की रक्षा करता है। दस पंखुड़ी वाले चक्र को नाभि चक्र कहते हैं और यह नाभि के पीछे स्थित होता है। यह वो चक्र है जो हमें उदारता और पूर्ण संतोष का अनुभव देता है। जब यह चक्र प्रबुद्ध होता है तो यह हमें आध्यात्मिक उत्थान, धार्मिकता, नैतिकता
और हमारे जीवन के सभी स्तरों पर पूर्ण संतुलन देता है। छह पंखुड़ियों वाला चक्र जो कि स्वादिष्ठान कहलाता है, पेट में स्थित होता है। यह सृजनात्मकता, शुद्ध चित्त और निर्मल विद्या का केंद्र है। यह वो चक्र है जो हमें अंतर्जात प्रेरणा स्त्रोत्र से जोड़ता है और हमें आसपास की सुंदरता को अनुभव करने की क्षमता देता है। स्वादिष्ठान और नाभि चक्र के चारों ओर भव सागर है जो हमारे अंदर गुरु तत्व प्रदान करता है। यह 10 आदि गुरुओं का स्थान है। स्वादिष्ठान चक्र भव सागर को पोषण देने के लिए भव सागर के इर्द गिर्द घूमता है। अगुरु जो कि सत्ता, छल कपट या आपके पैसों में ज्यादा रुचि रखते हैं, ऐसे गुरुओं का पालन करने से भव सागर को नुकसान पहुंचता है। श्री माता जी के अनुसार आप स्वयं के गुरु, स्वयं के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक बन जाते हैं, क्योंकि आप अपनी सूक्ष्म समस्याओं को अपनी उंगलियों पर महसूस कर सकते हैं और अपनी ही कुंडलिनी की मदद से उन समस्याओं को ठीक भी कर सकते हैं। बारह पंखुड़ी वाला चक्र अनाहत चक्र कहलाता है। यह रीढ़ की हड्डी में स्टर्नम बोन के पीछे स्थित होता है। अनाहत चक्र में आत्मा का निवास है जो कि सदा पवित्र है और इस पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता। जब यह चक्र जागृत होता है तो यह हमें जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति शुद्ध व्यवहार का भाव प्रदान करता है। यह हमें पूर्ण सुरक्षा और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। सोलह पंखुड़ी वाला विशुद्धि चक्र रीढ़ की हड्डी के गर्दन के क्षेत्र में होता है। यह व्यवहार कुशलता, दूसरों के साथ शुद्ध संबंध और एक चंचल निर्लिप्तता का चक्र है। यह हमारी अपराध भावना को दूर करता है और हमें नम्र और मधुर वाणी देता है। यह चक्र हमारा समष्टि से संबंध स्थापित करता है, जिसके कारण एकात्मकता और समष्टि का अंग प्रत्यंग होने का अनुभव मिलता है। दो पंखुड़ी वाला चक्र आज्ञा चक्र कहलाता है। मस्तिष्क में ऑप्टिक कियाज्मा पर, जहां दो ऑप्टिक नर्व्स यानी ऑप्टिक तंत्रिकाएं एक दूसरे को पार करती हैं, वहां यह चक्र स्थित होता है। जब यह चक्र जागृत होता है तो मनुष्य तुरंत निर्विचार और क्षमाशील हो जाता है, क्योंकि इस चक्र का यह गुण है। क्षमा वो शक्ति है जिसके कारण हम क्रोध, नफरत और द्वेष को छोड़कर हमारी आत्मा की उदारता और महिमा का परिचय पाते हैं। आत्मा ही है जिसकी मदद से हम अहंकार, हमारे अनुबंधन, आदतें, जातिवाद की गलत धारणाएं और समस्त गलत पहचानों को खत्म कर पाते हैं। 1000 पंखुड़ियों वाला सहस्रार चक्र सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। हमारे मस्तिष्क में हजारों तंत्रिकाएं या नर्व्स होती हैं, और अगर हम मस्तिष्क को आढ़े भाग से देखें तो यह देखा जा सकता है कि ये नर्व्स बहुत खूबसूरती से किसी कमल की सहस्त्र पंखुड़ियों की भांति योजित होती हैं। यह चक्र बाकी सभी चक्रों के गुणों को एकीकृत करता है।
जब कुंडलिनी उठती है और सहस्त्रार चक्र को भेदती है, तब यह सभी तंत्रिकाओं को जागृत करती है और तब कहा जाता है कि मनुष्य एक प्रबुद्ध जीव या एनलाइटेंड सोल है। इसके बाद कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र या फॉन्टनल बोन को भेदती है और ब्रह्मांड तक का द्वार खोलती है, और इसका अनुभव हमें सर के ऊपर और हाथों और पैरों पर शीतल हवा के रूप में होता है। इस अवस्था को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, अर्थात हमारी अंतरात्मा का सर्वव्यापी शक्ति से योग या संबंध। सभी धर्मों में इस अवस्था को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का दिव्य सार बताया गया है। अब तीन नाड़ियों या ऊर्जा प्रवाहों को समझते हैं। बाई नाड़ी को ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी कहा जाता है। यह मूलाधार चक्र से शुरू होकर आज्ञा चक्र पर आकर मस्तिष्क के दाहिने भाग में प्रति अहंकार में समाप्त होती है। इस नाड़ी का संबंध हमारे भूत, हमारी भावनाओं और इच्छाओं से होता है। ईड़ा नाड़ी की प्रमुख विशेषता है आनंद, जो कि आत्मा का स्वभाव है। दाई नाड़ी को पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी कहा जाता है। यह स्वादिष्ठान चक्र से शुरू होकर आज्ञा चक्र पर आकर मस्तिष्क के बाएं भाग में अहंकार में समाप्त होती है। इस नाड़ी का संबंध हमारे भविष्य, हमारी शारीरिक और बौद्धिक सक्रियता से होता है। एक तरह से यह हमारी क्रियाशीलता की शक्ति की वाहक है। मध्य नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से शुरू होती है और सीधा सहस्त्रार चक्र तक जाती है। यह हमारे आध्यात्मिक उत्थान या विकास की नाड़ी है। यह वह वाहक है जो हमारे उत्थान का पोषण करती है और चेतन या अचेतन तरीकों से जागरूकता के उच्च स्तरों तक हमारा मार्गदर्शन करते हुए सहस्त्रार चक्र की पराकाष्ठा तक हमें पहुंचाती है।